हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मनीषा की दुनिया में। दोस्तों देख सकते हैं पानी का कमी कितना ज़्यादा खलता है, जो कि अभी पानी नहीं है तो अभी देख सकते हैं खाना तो बना लिए लेकिन अब बर्तन धुलेंगे तभी तो सबको खिलाएंगे ना। अभी फिलहाल बर्तन भी हो रहा है और कपड़ा भी हो रहा है। यहाँ पे ग्लास वगैरह जो उसको धुल रहे हैं, नीचे से पानी मंगवा के देख सकते हैं। आज ऐसा हो गया पानी के लिए, गिलास धो दिए, थाली धुल दिए, इतना में पानी हो गया हमारा खत्म। यहाँ देख सकते हैं थाली भी धो के रख दी, कटोरी भी धो दिए, ताकि खाना मम्मी पापा को सबको मेरे बने हुए चार से दिए हैं खाना। मम्मी पापा के लिए ले के जाते हैं खाना। हे गाइस, तो अभी निकाल रहे हैं फाइनली बर्तन वर्तन धुलने के बाद अब खाना मम्मी पापा के लिए। यहाँ पे दाल को भी ना फ्राई कर दिया है, देख सकते हैं मस्त हो गया है फ्राई। और अब चावल दाल भुजिया अचार प्याज ये सब खाने में मज़ा आता है। बस आ गए हैं मम्मी पापा को खाना पीना खिला के, और मिस्टर राज भी खा लिए, बाकी अभी हम तीन लोग खा लिए, तीन लोग बाकी है। तो अभी तो हमारा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है खाने के लिए, क्योंकि पता नहीं क्यों अजीब सा एकदम लग रहा है। और मम्मी हमको सिंदूर कर दिया क्योंकि रामनवमी का पूजा है, और आज तो जुलूस भी निकलता है पूरे सिवान में, पूरे हसनपुरा में, जहाँ जहाँ के लोग हैं वहाँ वहाँ निकलता है, तो अच्छा लगता है और मेला सब कुछ ये लगता है, तो बहुत मज़ा आएगा। लेकिन सबसे दुख की बात ये है ना कि लाइट कट गया है, जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। क्या है कि खाना पीना बनाने में, बर्तन धोने में, आप सभी को पता है पानी कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जब पानी जाता है ना तब मेरे को तो भाई बहुत रियलाइज होता है कि ऐसा होता है। अभी हमारे घर में ना लाइट जल रहा है, ना पानी आ रहा है, ना कुछ। तो हम क्या किए हैं, अपने घर के ना ये वाला विंडोज है इसको ओपन किए हैं, तो तब जाके ऐसा लाइट आ रहा है जिसकी वजह से आप लोग मुझे देख पा रहे हो, वरना ऐसे अंधेरे में जाऊंगी तो फिर नहीं दिख पाएंगे। तो आज हम ये वाला साड़ी वियर किए हुए हैं। आज मम्मी पापा का वैसे एनिवर्सरी है तो ये वाला साड़ी हमको नहीं पहनना चाहिए था, लेकिन शाम को है ना, शाम को पार्टी होगी इसलिए शाम को अलग लुक देंगे। और मम्मी पापा भी आ गए हैं, तो मम्मी अभी बात कर रही है, जैसे मम्मी इधर रहेंगी तो मम्मी के पास चलेंगे और फिर आप लोगों से मिलाएंगे। तो अभी हो गया है शाम का टाइम, शाम के लगभग 5 बज रहे हैं, अभी तक लाइट नहीं आया और किचन पूरा ऐसे ही गंदा हो गया है। मतलब गंदा क्या, जो बर्तन है उसको भी धुलना है तो लाइट नहीं आया, तो वही धुला नहीं है। और मम्मी बोल रही थी एनिवर्सरी को लेके घर पे ही कुछ बनेगा, फिर डेली तो घर तो बनता ही है। तो अभी देखते हैं कहाँ पे हो रहा है पार्टी, घर पे या फिर घर के बाहर, सब कोई फैमिली डिनर जाएंगे करने, देखते हैं। अभी मम्मी अपना थोड़ा सा ड्रेस वगैरह एक बार खोल के देख लेते हैं। और गाइस, अभी हो गया है शाम का टाइम और अभी क्या करते हैं, थोड़ा कपड़ा वगैरह उतार लेते हैं। और आज मम्मी का एनिवर्सरी है, ये फंस गया है यार कैसे। अब ये टॉवल सब डाल दिए थे ताकि धूप में ना, थोड़ा धूप लग जाता है तो सही रहता है। और छत पे तो मुझे लग रहा है कितना टाइम हो गया, बाकी भी चलते हैं, कपड़ा भी डाल देते हैं, कपड़ा भी धुले हुए हैं। शाम का टाइम होगा, समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है, बाहर चलना, क्योंकि ये इनको बोल रहे हैं कि बाहर जाना था। और अभी क्या है कि पापा मम्मी शायद घर पे बुला लिए, तो अब चलते हैं मम्मी से पूछना मम्मी क्या करना है। अगर घर पे खाना बनाना तो फिर जल्दी से सब कुछ तैयारी करेंगे क्योंकि सब लोग आएंगे, और नहीं बाहर चलना है तो फिर बाहर जल्दी से चलेंगे रेडी होके, क्योंकि थोड़ा पहले जाएंगे तो पहले थोड़ा और इन्जॉय करेंगे और स्पेशल बनाएंगे, है ना। तो अभी आ गए किचन में और फाइनली लाइट आ गया। तो वैसे तो बर्तन धुला गया, लेकिन अभी कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे तेल है तो इसको अभी उसमें रख देते हैं इसके डिब्बे में, और थोड़ा सा किचन सही कर देते हैं। तो सबसे पहले जिस इसमें इतना कम दाल है तो इसको पहले खाली कर देते हैं और उसको धुलने के लिए रख देते हैं।
बाकी आप लोग बने रहिए और ऐसे ही हमारा व्लॉग आता रहेगा। आप थोड़ी देर में हम लोग भी रेडी वगैरह होंगे और उसके बाद से निकलेंगे बाहर के लिए। अभी कुछ कुछ गेस्ट भी आने वाले हैं तो वो सभी लोग आएंगे, सभी लोग से मिलेंगे हम लोग, उसके बाद से रेडी होके फिर यहाँ से निकलेंगे और फाइनली मम्मी का एनिवर्सरी होगा बहुत अच्छे से। तो बने रहिए आप लोग व्लॉग के एंड तक। छोटू दोस्तों यहाँ पे बना रहे हैं मैगी, और मैगी में बस थोड़ा सा प्याज और टमाटर डाले हुए हैं, और एक तरफ दूध पहले खोलने के लिए रख दी क्योंकि ना पता नहीं तो हमारे घर में दूध बहुत जल्दी फट जा रहा है, गर्मी इतना ज़्यादा पड़ गया है हर एक की वजह से, या फिर पता नहीं क्या दिन में इतना लेट से दूध आया और बस 20 मिनट के बाद कि 10 मिनट बाद उसको खिलाया गया तब तक वो फट गया, बहुत डर लग रहा है। अपन ऐसे डालते हैं दूसरा फाड़ेंगे, यहाँ पे हमने डाल दिया दूसरा, तीसरा फाड़ेंगे और यहाँ पे हमने डाल दिया तीसरा। ये हो गया मैगी मसाला और ऊपर जो फैन चल रहा है। फाइनली अब मैगी बना रहे हैं, एक तरफ एक तरफ दूध खोला रहे हैं, दूध खोल गया अब चाय बनाएंगे। आप लोग बने रहिए और बहुत ही अच्छा अच्छा अपने इंस्टाग्राम पे रील डाले भोजपुरी गाना पे, घर के दुलारवी रहनी अपना सैया जी बता दी, इतना प्यार करत रह मम्मी ननदो के समझा दी। आज ये गाना सुनने बहुत मजा आया भाई, ऐसा गाना भी होता है बताओ, हमको सुन के हमको इतना हंसी आ रहा था। बने रहिए आप लोग, ज़्यादा बोर नहीं करेंगे तो बना के लेके चलेंगे। तो मैगी और चाय बना दिए थे, फिर हम और अंजना लेके गए मम्मी के पास और चाय बनाया, तो चाय बस थोड़ा सा मेरे लिए बचा तो चाय नहीं पिया। गला बहुत सूख रहा है, चलते हैं रेडी होने और इसी के साथ मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में। अभी देखते हैं कौन सा साड़ी पहनेंगे क्योंकि अभी डिसाइड नहीं किए हैं, और जल्दी से रेडी होकर बस निकलते हैं क्योंकि टाइम भी 7:30 हो गया और सबको भूख भी लग रही है और घर में भी खाना नहीं बन रहा है, तो इसीलिए दोनों तरफ से लेट हो रहा है। अगर जाना है तो फिर हम लोग जल्दी निकलते हैं और मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में। अगला ब्लॉग एनिवर्सरी का आएगा तो आप लोग ज़रूर देखना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट्स को ज़रा शेयर कीजिएगा और जाते जाते सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, सब्सक्राइब करके जाइएगा आप लोग। बाय बाय, लव यू ऑल।